हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स दिस इज आवर सिक्सटीन पार्ट ऑफ अवर जनरल एग्री मॉक टेस्ट सीरीज इन दिस वी विल डिस्कस टोटल 25 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर व्हिच आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हु टेक द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट फॉर शॉर्ट टाइम विद अ व्यू ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट देखो ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्वेश्चन में ये है कि वो कौन सा मिडिल मैन है जो शॉर्ट टाइम के लिए प्रोडक्ट का टाइटल लेता है या कोई गुड है उसका टाइटल लेता है इन अ व्यू टू मेकिंग ए प्रॉफिट देखो मेन यहां पर क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है उसका टू मेक ए प्रॉफिट अब यहां पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए है एजेंट मिडिल मैन बी फैसिलिटेटिव मिडिल मैन सी स्पेकुलेटिव मिडिल मैन एंड डी मर्चेंट मिडिल मैन अब यहां पर जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ये ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी स्पेकुलेटिव मिडिल मैन एंड मर्चेंट मिडिल मैन देखिए आप लोगों के मन में ये दो आंसर आ रहे होंगे बट इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेक्यूलेटिव मिडिल मैन सो स्पेक्यूलेटिव मिडिल मैन आर द मिडिल मैन हू टेक्स द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट फॉर शॉर्ट टाइम विद अ व्यू टू मेकिंग अ प्रॉफिट देखो ये तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है अब मैं एक एक करके जितने भी यहां मिडिल मैन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं ऑप्शन में सबके बारे में बताता हूं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो पहला है एजेंट एंड मिडिल मैन एज मिडिल मैन क्या होते हैं दे आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ इधर सेलर और बायर देखो पहली चीज ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये गुड्स या प्रोडक्ट का टाइटल नहीं लेते हैं इसके एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ जो आपके कमीशन एजेंट्स होते हैं या जिनको हम बोलते हैं अरहातियाज अरहतियाज कमीशन एजेंट या बोल रहे ब्रोकरस ठीक है पहली चीज़ जो मैंने पहला बताया कमीशन एजेंट जो नॉर्मली होल मार्केट में रहते हैं या मंडीज़ में रहते हैं जिनको हम कमीशन एजेंट बोलते हैं ये क्या करते हैं ये टाइटल तो नहीं लेते हैं गुड्स का बट उनकी फिजिकल हैंडलिंग भी करते हैं ये ठीक है सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये बायर्स और सेलर्स के बीच में नेगोशिएट करते हैं दूसरी बात ये फिजिकल uh, हैंडलिंग भी करते हैं प्रोड्यूस का बट ये टाइटल नहीं लेते हैं गुड का ठीक है अब इसी में जो दूसरा एग्जांपल बताया था मैंने ब्रोकर्स पहला तो मैंने कमीशन एजेंट बताया था दूसरा था ब्रोकर्स देखो सारे फंक्शन सेम है बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है ये फिजिकल कंट्रोल नहीं लेते हैं प्रोडक्ट्स का जो ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ ये फिजिकल कंट्रोल नहीं लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का बस खाली ये नेगोशिएट करते हैं बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स दूसरा है फैसिलिटेटिव मिडिल मैन फैसिलिटेटिव मिडिल मैन देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट मिडिल मैन है ये खाली क्या करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में खाली असिस्ट करते हैं जितने भी जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे लेबरर्स हैं वे मैन है या ट्रांसपोर्टर है या ऑक्सनर है जो क्या कर रहे हैं मार्केटिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको हम कहते हैं फैसिलिटेटिव मिडिल अब तीसरा है स्पेकुलेटिव मिडिल इसकी तो बात हमने कर ली अब जो लास्ट है मर्चेंट मिडिल अब क्वेश्चन में यहाँ पर यह क्या था कि हु टेक द टाइटल ऑफ प्रोडक्ट देखो टाइटल तो ये दोनों लेते हैं स्पेकुलेटिव मिडिल मैन एंड ऑप्शन डी मर्चेंट मिडिल मैन बट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था फॉर शॉर्ट टाइम विथ अ व्यू ऑफ मेकिंग प्रॉफिट मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है टू मेक प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर इसका आंसर क्या था स्पेकुलेटिव मिडिल मैन अब मैं बताता हूँ मर्चेंट मिडिल मैन क्या होता है मर्चेंट मिडिल मैन पहली बार यह टाइटल लेते हैं गुड्स का एंड इसके एग्जाम्पल हैं जो इस होल सेलर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं यह सबके सब क्या हैं मर्चेंट मिडिल मैन है, है. इनके केस में क्या है ये रिस्क टेकर नहीं होते हैं और कभी कभी इनको लॉस भी झेलना पड़ता है जैसे लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है बट स्पेकुलेटिव मिडिल मैन के केस में क्या है जनरली ये रिस्क टेकर होते हैं और अधिकतर इनके केस में प्रॉफिट इनको मिलता है तो ये डिफरेंस है स्पेकुलेटिव मिडिल मैन एंड मर्चेंट मिडिल मैन में अगला क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वॉज पासड इन विच ईयर कौन से ईयर में ये एक्ट पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ऑप्शन आर नाइनटीन फिफ्टी 1944 फोर्टी 1964, एंड right answer is option राइट आंसर इज ऑप्शन ए year 1954, the सो इन द ईयर Act was passed. द to ऑफ question, unit एक्ट used to मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑक्टा टू रिकॉर्ड जो जितने भी weather phenomena होते हैं जैसे रेनफॉल है या सन रेडिएशन है या क्लाउड्स है मतलब ये किस weather phenomena के मेजरमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है ये एक यूनिट है ऑक्टा इसको यूज किया जाता है फॉर क्लाउड्स इसकी वैल्यू वेरी करती है जीरो टू एट ये आपको याद रखना है ये इम्पोर्टेंट है कि ऑक्टा की वैल्यू जीरो टू एट वेरी करती है अगला क्वेश्चन है देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पहला स्टेटमेंट है सेकेंडरी सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफियर ओवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड साइक्लॉन्स एंड एंटीसाइक्लॉन दूसरा स्टेटमेंट है साइक्लॉन्स आर करैक्टराइज बाई ए जोन ऑफ हाई प्रेशर एरिया वाइल एंटीसाइक्लॉन आर रीजन ऑफ लो प्रेशर देखो पहला ऑप्शन या पहला स्टेटमेंट ये तो सही है क्योंकि ये क्या है सेकेंडरी सर्कुलेशन है ठीक है और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं कि साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया है जो कि गलत है साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर एरिया होते हैं और एंटी साइक्लॉन हाई प्रेशर एरिया तो ये यहां पर इसका क्या आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू अगला क्वेश्चन है फॉल ब्रूट डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज ड्यू टू इसका मेन पैथोजन क्या है बैक्टीरिया होता है वायरस होता है प्रोटोजोवा होता है या फंगाई होता है राइट right आंसर so, है इसका ऑप्शन ए बैक्टीरिया सो फॉल ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया सिक्स क्वेश्चन इज द रेशो बिटवीन वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड इज टेक्निकली कॉल्ड देखो इरीगेशन एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है ये इसमें क्या एफिसियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो रेशो होता है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अप ऑन वॉटर डिलीवर टू फील्ड तो इस रेशो को हम क्या कहेंगे इस रेशो को कहा जाता है वाटर एप्लीकेशन एफिशियंसी सो वाटर एप्लीकेशन एफिशियंसी इज द रेशो बिटवीन वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड सेवेंथ क्वेश्चन इज द वाइडली यूज न्यूट्री एंट एज फोलियर स्प्रे टू इंक्रीज सीड्स एड इन पल्सेस यहां पर क्या पूछा गया है कि पल्सेज में एक न्यूट्रिएंट या बोलने एक फर्टिलाइजर है उसका यूज़ किया जाता है एज ए फोलियर स्प्रे टू इंक्रीज सीड सेट तो यहाँ ऑप्शन दे रही हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको हार्मोन्स में टिक नहीं करना है क्वेश्चन में क्या है न्यूट्रियट और इसको फोलियर स्प्रे किया जाता है पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पल्सेज तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी डी ए पी दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका स्प्रे किया जाता है टू परसेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लावर जो फ्लावर की अपेयरेंस हो रही होगी उस टाइम पे इसका पहला स्प्रे किया जाता है एट टू परसेंट कंसनट्रेशन और इसका दूसरा स्प्रे किया जाता है फिफ्टीन डेज आफ्टर फर्स्ट स्प्रे पहले स्प्रे के पंद्रह दिन बाद दूसरा स्प्रे किया जाता है एट्थ क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एरिया कुड बी रजिस्टर्ड फॉर सीड सर्टिफिकेशन इज देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है जिसका हम सीड सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं राइट आंसर है ऑप्शन डी टेन हेक्टेयर द मैक्सिमम एरिया दैट इज टेन हेक्टेयर कुड बी रजिस्टर्ड फॉर सीड सर्टिफिकेशन नाइन्थ क्वेश्चन इज मैज द फॉलोइंग विथ दियर मॉइस्चर सेंसटिव पीरियड यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप दे है रखी हैं और इनको मैच करना है इनके मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड से सबसे पहला है ग्राउंडनट तो ग्राउंडनट का जो मॉइस्चर सेंसटिव पीरियड होता है वो होता है पैक पेन्यूटेशन यानी पहले का जाएगा ई में दूसरा सनफ्लावर सनफ्लावर के केस में ऑप्शन ए ये फ्लावर बर्ड इनिशिएशन कॉटन के केस में सेंसिटिव स्टेज होती है फ्लावरिंग ट्रू बॉल डेवलपमेंट सुगर के केस में फॉर्मेटिव स्टेज और टोमेटो के केस में फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फ्रूट सेट तो यहां पर करेक्ट सिक्वेंस क्या बनता है देखो पहला तो ई e से मैच हुआ दूसरा सनफ्लावर ए से मैच हुआ तीसरा जो कॉटन है ये मैच हुआ बी से चौथा शुगर केन ये सी से हुआ और लास्ट जो फिफ्थ ये डी से यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या है यहां ई ए बी सी डी तो यहां ऑप्शन में देखिए कि ई ए बी सी डी कहाँ है यह है ऑप्शन डी में सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टेंथ क्वेश्चन इज कैप्रिफिकेशन इज एसोसिएटेड विथ कैप्रिफिकेशन कौन से फ्रूट से रिलेटेड है ऑप्शन दे रखे हैं पाइनएप्पल फिक कोकोनट एंड मैंगो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिक देखो फिक केस में जो ये कैप्रिफिकेशन है ये एक पॉलीनेशन है पॉलीनेशन बाई वास्प एक वास्प होती है ये पॉलिनेशन करती है इन केस ऑफ फिग और इस वास्प का साइंटिफिक नेम है ब्लास्टोफागा सेंस तो ये एक वास्प है जो पॉलिनेशन करती है फिग में और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैप्रिफिकेशन इलेवन क्वेश्चन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड ट्रेटोस्फीयर इज जो ट्रोपोस्फियर है ये क्लियर होती है सबसे लोअर लेयर इसमें और स्टोटो इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है उसको क्या बोलते हैं उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है जब भी ट्रांजिशन जोन की बात आती है तो जो लोअर वाला लेयर होती है जो लोअर वाली लेयर होती है उसमें आप क्या कर दीजिए प्लस पॉज उसमें पॉज लगा दीजिए तो वो ट्रांजिशन जोन हो जाएगा अब मान लीजिए स्टेटोस्पियर है स्टेटोस्पियर और मिजो इसके बीच की अगर हम ट्रांजिशन जोन बताएंगे तो क्या होगा वो स्टेटो पॉज ऐसे ही इन केस ऑफ ट्रोपोस्पियर एंड ट्रेटोस्पियर द ट्रांजिशन जोन इज ट्रोपोपॉज ट्वेल्थ क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया देखिए और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी आर एफ एग्रोनोमी स्टेटमेंट वन मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट सरफेस ऑप्शन जोन जो एस्पिरेंट्स जी आर एफ की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की हमारे कमेंट सेक्शन में अब जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर बात करी गई है कि जो डिफ्यूजन होता है ये मोबाइल ये क्या होता है मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि करेक्ट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का उसको डिफ्यूजन कहा जाता है दूसरा स्टेटमेंट है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट सरफेस सॉफ्टस जोन यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है पहली बात बात किसकी हो रही है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की दूसरी बात जो टर्म लिख रखी है यहां पर रूट सरफेस सॉफ्ट जोन तो यहां पर यह स्टेटमेंट क्या है गलत है गलत कैसे है देखो जो ब्रे का ब्रे एक साइंटिस्ट थे इनका न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे या बोलने दो टर्म दे रखी थी एक तो था रूट सरफेस सॉपसन जोन जो यहाँ क्वेश्चन में इंक्लूड है रूट सरफेस सॉपसन जोन और दूसरी टर्म थी रूट सरफेस सिस्टम जोन रूट सरफेस सिस्टम जोन दो टर्म है अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रूट सरफेस सॉप्सन जोन मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज होता है जो कि गलत है क्योंकि ये यूज़ होती है टर्म इन मोबाइल न्यूट्रियट्स के लिए और मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के, 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 के केस में रूट सरफेस सिस्टम जोन इसको यूज़ किया जाता है देखो एक डायग्राम से समझ लेते हैं ये आपकी रूट्स हैं पहले केस में क्या है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स का जो एरिया होगा जहाँ से रूट उन न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगी वो पूरा एरिया होगा ये इतना पूरा एरिया ये होगा पूरा मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के लिए यानी कि इन पूरे एरिया तक जो रूट्स हैं वो प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और इस एरिया को इन्होंने कहा था रूट सरफेस सिस्टम जोन ये पूरा रूट सिस्टम है और इन केस ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स उन्होंने एक टर्म दे रखी थी रूट सरफेस ऑप्शन जोन जो रूट के सरफेस खाली इतना इतना एरिया इतने एरिया तक ही जो रूट होगा वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बसन कर पाएगा आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बिसाइड्स रॉक फॉस्फेट एंड सल्फर बायोसुपर कंटेंट्स बायोसुपर यह एक फॉर्मुलेशन होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है एक होता है रॉक फॉस्फेट एंड सल्फर एलिमेंटल सल्फर इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया वो क्या होता है थायोबेसिलस था ऑक्सीडाइज सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमॉन्स्ट्रेशन विच सो दैल्यू और वर्थ ऑफ ए न्यू प्रैक्टिस इस कॉल्ड यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से राइट right आंसर है ऑप्शन बी रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इज ए मेथड विच सोज द वैल्यू और वर्थ ऑफ द न्यू प्रैक्टिस अगला क्वेश्चन है इन वीट आर थ्री जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी। जो एक ये जीन है डॉफिंग जीन है आर थ्री तो बताना है कि ये जीन कौन सी वरायटी से डिराइव किया था यहां बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं राइट आंसर इज ऑप्शन सी टॉम थम सो आर जीन वॉज डिराइव टॉम थम ऑफ वेयर एज आर एच टी वन एंड आर एच टी टू दिस जीन वॉज डिराइव फ्रॉम वेराइटी नॉर इन टेन सिक्सटींथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ऑक्साइड मिनरल इन मैनी सॉइल जो सबसे ज्यादा एबेंडेंट है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सा ऑक्साइड है अब आपने तो सुना होगा हेमाटाइड मैग्नेटाइड सबसे ज्यादा ये दोनों ही सुने होंगे बट जो राइट right आंसर है वह है ऑप्शन सी गोएथाइट जो गोएथाइट है इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं एफ ई डबल ओ एच या बोल रहे हैं एफ ई ओ एच ओ तो ये इसका फॉर्मूला है का और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है इन सॉइल अगर हम बात कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड की अगला क्वेश्चन है द बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज फर्स्ट टाइम यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट बताना है या बोल रहे कौन से प्लांट में और कौन से डिजीज में बॉर्डेक्स मिक्सचर को पहली बार यूज किया गया था राइट आंसर इज ऑप्शन ए सो बॉडक्स मिक्सचर वॉज फर्स्ट टाइम यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स और बॉडेक्स मिक्सचर को किसने डिस्कवर किया था जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि बॉडेक्स मिक्सचर को किसने डेवलप किया था अब बात कर लेते हैं बॉडेक्स मिक्सचर क्या है बॉडेक्स मिक्सचर कंटेन्स कॉपर सल्फेट प्लस लाइम एंड वाटर इन रेशो ऑफ वन रेशो वन रेशो हंड्रेड वन के हो गया कॉपर सल्फेट का वन के लाइम का एंड हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर एटींथ क्वेश्चन इज इन इंडिया ब्रीडिंग बेस्ड ऑन क्रॉसेज बिटवीन सैकरम ऑफिसनेरम एंड सैक्रम स्पॉन्टेनियम वर इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट ने इनमें ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किए थे तो यहां पर ऑप्शन देखे बहुत सारे इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज टी एस वेंकट रमन सो टी एस वेंकट रमन और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग इन बिटवीन द सेकरम ऑफिसनेरम एंड सैकरम स्पॉन्टेनियम अगला क्वेश्चन है च टर्म रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑप्शन दे रखे हैं बायोमास बायोस्पियर एंड बायोम तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बायोस्पियर सो बायोस्पियर इज द सम टोटल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अगला क्वेश्चन है फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर इन कॉटन इज ड्यू टू विच इंसेक्ट कौन से इंसेक्ट का यह सिम्टम है फ्लेयर्ड स्क्वायर सिम्टम ऑप्शन दे रखे हैं स्पॉटेड बॉलवॉन पिंक बॉलवॉम

देखो जो इकैसिस है या कभी कभी हम क्या बोल लेते हैं ई कैट ई कैट क्या है दिस आर द प्लांट्स दैट हैज इवॉल्व टू लिव इन अ वेरी डिस्टिंक्ट एरिया बहुत ही डिस्टिंक्ट एरिया है हर्स एरिया है. ये खुद को ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि वहां उनका हैबिटेट बन जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इकैसिस और उन प्लांट्स को कहा जाता है ई कैट अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स तो बताना है कौन से टेस्ट को यूज किया जाता है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे यहां पर इसका राइट right आंसर है जेड टेस्ट अब देखिए अगर क्वेश्चन में क्या होता यहां मीन्स की जगह क्या होता वेरियंस अगर मीन्स की जगह वेरियंस होता तो यहां पर आंसर चेंज हो जाता आंसर हो जाता एफ टेस्ट मीन्स इन केस ऑफ जेड टेस्ट एंड वेरियंस इन केस ऑफ एफ टेस्ट अगला क्वेश्चन है प्रभावती इज अ म्यूटेंट वरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रभावती एक म्यूटेंट वरायटी है ये कौन सी क्रॉप की है ये बताना है ऑप्शन देखें राइस ओकरा कॉपी जूट राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज राइस वियर एस इन केस ऑफ ओकरा एक म्यूटेंट वरायटी है प्रभनी क्रांति ये तो आपको पता ही होगा प्रभनी क्रांति इज ए वरायटी ऑफ ओकरा वियर एस प्रभावती इज अ वरायटी ऑफ राइस अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है सही है पहला देख लेते हैं पहला क्या है मोनो एम्ब्रियनिक सिट्रस स्पीसीज सिट्रस पेरेडिसी गलत है क्योंकि मैंने अपने लास्ट मॉक टेस्ट में भी बता रखा है कि मोनो एम्ब्रियनिक सिट्रस की स्पीसीज जो होती है वो होती है सिट्रस ग्रैंडिस दैट इज प्यूमेलो ऑप्शन बी गाइनोडायोसियस कल्टीवार ऑफ पपाया दे रखा है यहाँ क्या पूसा नहना ये भी गलत है ऑप्शन सी मोनोसियस स्पीसीज ऑफ पपाया कैरिका बोनोएगा ये सही है यानी कि इनमें से जो करेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन सी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है चलिए लास्ट क्वेश्चन यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेरायटी इन द आई पी एम ऑफ इंसेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसको क्या कहते हैं कौन सा कंट्रोल कहेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे केमिकल कंट्रोल कहेंगे कल्चरल कंट्रोल कहेंगे या लीगल कंट्रोल कहेंगे यहां पर हम क्या कर रहे हैं रेसिस्टेंट वरायटी का यूज कर रहे हैं तो इस केस में इस कंट्रोल को कहा जाएगा कल्चरल कंट्रोल सो यूज ऑफ रेसिस्टेंट वरायटी इन आई पी एम इज कॉल्ड कल्चरल कंट्रोल तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 25 फाइव क्वेश्चन थे आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर